पेंड्रा में जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के अनशन को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस विधायक मोहित केरकेटा ने बिजली कटौती की समस्या के लिए अजीत जोगी और अमित जोगी को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा 20 सालों से ये विधायक रहे लेकिन आज भी इनका इलाका समस्याओं से जूझ रहा है। आपको बता दें अमित जोगी ने बिजली की समस्याओं को लेकर आमरण अनशन जारी रखने का फैसला लिया है। ये समस्या एक दिन की तो है नहीं, ये तो आप मानते होंगे। लाइट की जो समस्या आई है कोटमी में जो सब स्टेशन है वहाँ का जो ट्रांसफार्मर वगैरह है वो आ रहा है, रास्ते में है। उसके बाद भी अभी हमने इधर मनेंद्रगढ़ साइड से लाइन जोड़ने का आदेश कर दिया, साथ में 4 नए सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं। आपको बालू में बस्ती में उस दिन 3.25 करोड़ रुपये का भूमि पूजन किया है। तो ये समस्या ज़्यादा दिन की नहीं है, अतिशीघ्र ही हम लोग लगे हुए इसका समाधान हो। हम तो यही कहेंगे कि जनता उन्हीं से पूछ रहा है कि आपके पिताजी समाज मुख्यमंत्री रहे, ये सब बिजली की समस्या तो 10 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए था, आज तक क्यों पड़ा हुआ है? ये जनता पूछ रही है, उन्हीं से पूछ रही है। अब उनकी व्यवहार जो भी होगा, मैं कहता हूँ कि जनता आज उन्हीं पूछ रही है कि बिजली आज क्यों नहीं बन हो पाया यहाँ पे, यहाँ सड़क पूरा क्यों नहीं हो पाया। कल ही मैं गया था, रात्रि दौरा में गया था मैं, हमारे पंचायत आपका पड़ोसी कंचंडी गया था मैं, वहाँ पर पंडारी गाँव है, मुरुगू है, 2 किलोमीटर पक्की रोड है, 4 किलोमीटर कच्ची रोड है, जो गड्ढे गड्ढे है। तो देन तो नहीं के हैं, विधायक तो लगातार नहीं रहे, मुख्यमंत्री रहे, तो ये सारी जनता देख रही है।